अग्रवाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सराह यासर, फ्रॉम सराह यासर ऑफिशियल। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुशादा अग्रवाल होंगे। आज हम एक पिकअप कार्ड करेंगे, बट हम इसमें कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। 1, 2, 3 आपका जो है, मैं आपको नंबर बता रही हूँ, किसी भी नंबर को आप पिक कर लीजिए। इंटर आप अपनी आइज क्लोज कीजिए, 1, 2, 3 में से कोई भी कार्ड पिक कर लीजिए। देख लेते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को के हवाले से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है डिवाइन गाइडेंस से। थैंक यू। पहले नंबर 1 वालों के लिए क्या आएगा? प्लीज़ सारे कार्ड नहीं ले सकते, देख लिया तो भी नहीं ले सकते। ठीक है, पहले नंबर 1 वालों के लिए। और नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, 1, 2, 3 में से आपने पिक कर लिया होगा यकीन है। लेट्स सी कि अगर आपने नंबर 1 पिक किया है तो इट्स आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कंटिन्यू करेंगे इन फ्यूचर, राइट? अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आने की, कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। पायल नंबर 1 वालों के लिए बहुत मुबारक हो। पायल नंबर 2 वालों के लिए लेट्स सी, इट्स अ बिग नो। आप इस चीज़ को कट ऑफ कर दीजिए, इस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, बिकॉज़ ये आपको पेनफुल है जितना अभी हो, फ्यूचर में जाके और पेनफुल हो सकता है। ठीक है, तो पायल नंबर 2 वालों, प्लीज़ इसको, अगर ये ब्रेकअप सिचुएशन में है तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा जो है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सॉरोस के अंदर है, तो इसको आप अभी राइट नाउ राइट अवे ख़त्म कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जाके आप किसी अच्छे रिलेशनशिप को पिक कर सकें। राइट, एंड नंबर 3, जस्टिस, नाइस। ओके, कॉमेडिक जस्टिस। ओके, कोई है जो बहुत सोचता है आपके बारे में सुबह दोपहर शाम, बेसिकली जैसा आप उनके लिए सोच रहे हैं वैसे वो आपके लिए सोच रहे हैं। फायर एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, सजिटेरियस लियो रेस, बट कोई बोल्ड एक्शन लेते हुए आपके टूवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। बहुत अट्रैक्टेड है आपसे फिजिकली, मेंटली और अपेरेंसली, बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्शंस बहुत आने वाली हैं टूवर्ड्स यू। सो पायल नंबर 3 कांग्रेस, पायल नंबर 1 कांग्रेस, पायल नंबर 2 आई एम सो सॉरी। कोई भी डिसीजन बड़ी लाइफ का जरूरी पे मत लिया कीजिए, प्राइवेटली हमेशा प्रॉफिटेबल होती हैं। अगर मैं देखना चाहूँ पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3 के लिए कोई हिडन ट्रुथ ऑरेकल से, लेट्स सी। पायल नंबर 1 देखते हैं कि क्या ही क्लैरिफाई करेंगे आपके मैसेजेस को टू। और पायल नंबर 3, सब कुछ आपके सामने होता है, हम वो रीडिंग नहीं करते जो पहले से हर चीज़ सेटिंग की हुई होती है, एंड जस्ट उठा के दिखा देते हैं, वी आर नॉट डूइंग दिस। ठीक है, पायल नंबर 1 वालों के लिए लेट्स सी कि क्या कार्ड आया है। आई नो आई वाज डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पेन। देखें, इसको जस्टिफिकेशन कर दी इस कार्ड ने क्या, कि आगे जाके कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन क्या करेगी कि वो आपके पेन को दूर करती है। जब आप किसी से बात करते हैं, कंप्लीशंस में आते हैं, तो आपको वो चीज़ दूर होती है। ठीक है, आप क्या में भी बोल चाल काफ़ी कम है या नहीं है, तो वो जानते हैं कि जब वो आपसे बात करते हैं तो आप खुश रहते हैं। पायल नंबर 2 वालों को देखते हैं क्या, दिस इज गॉड, आई कॉन्ट टेल यू, ओ माई गॉड, दैट्स वाई एम फराह यासर, आई एम पाकिस्तान नंबर 1 जो है टैरो कार्ड रीडर, जस्ट बिकॉज कि हम लोग नॉर्मली से ज़्यादा जो है ना हर चीज़ आपके सामने बयान करते हैं। इस जस्टिफिकेशन मैंने आपको बोला छोड़ दो, आपको मैंने कहा इसको जाने दो, ये पेन है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, उसके लिए ये कार्ड है पायल नंबर 2 वालों के लिए। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक रीडिंग आपको क्या होगी? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। पायल नंबर 3 के लिए वो जस्टिस का आया था, लेट्स सी। आई विश थिंक डिफरेंट। ओके, ठीक है, ये कार्ड भी इसको जस्टिफाई करता है कि अभी जो आप लोगों के, मैंने आपको बोला ना कि बहुत ज़्यादा आपके लिए कामिक अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि आपके बीच में किसी ने मैस फैलाया था, जिसकी वजह से आप अभी राइट नाउ अट्रैक्शन में नहीं है, लेकिन आप टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं वो, तो वो चाहते हैं इस चीज़ को ख़त्म करके आपके पास आ जाएं। कैसी रही रीड बताइएगा, आई क्लेम ब्यूटीफुल रीड लीजिएगा। और पायल नंबर 2 अगर चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, फॉर अगर आपको एंड करने का सोच रहे रिलेशनशिप तो भी आप एडवाइस ले सकते हैं अपने नेम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।